हम ये माने कि इस बार जो कबड्डी है वो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप लोग जब 28 तारीख को लिखेंगे ना पिक्चर देखेंगे आप सारे लोग, तो इतना हंगामा मचाइएगा कि बॉम्बे से लेके और साउथ तक तेलुगु तक उन सबको समझ में आए कि बाहुबली छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है। तो आप, मैं कह रहा हूँ ना 28 तारीख को आप लोग बोल देंगे, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं ये, और इनके साथ काम करके मतलब हमको लगा ही नहीं कि कोई बाहर के डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना अपनापन किया, हमें भी लगा कि हम चलते हैं कि वो डायरेक्टर को उनके साथ काम कर रहे हैं, और मतलब उन्होंने हमें समझा भी जैसे टाइम टू टाइम काम था वहाँ पे हमारा एकदम पंक्चुअलिटी से, 5 बजे उठ जाते थे हम, 6 बजे सेट पर पहुँच जाते थे, 6 से 6 का हमारा कॉल टाइम होता था, 7 बजे हम अपने रूम पर आ जाते थे, तो मतलब इनके साथ काम करके बहुत हमें कम्फर्ट महसूस किया। कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि मुंबई में फिल्में बनती है, मुंबई में फिल्में बनती है, उनके सारे रिटर्न वर्क इंग्लिश में रहता है, तो ना कम्युनिकेट कर पाते हैं ना उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, तो क्या ये चीजें छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में भी है, हिंदी क्या वो छत्तीसगढ़ी में ही सारा लोकेशन पूरा छत्तीसगढ़ का है जो सारा थॉट प्रोसेस है पूरा छत्तीसगढ़ी का होता है, एक लिखा होता तो इंग्लिश में है पर वो पढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ी में, बाकी सारे डायलॉग हिंदी लिखी में ही थे, और ये जो आपने बोला ये करेक्ट है, ये हिंदी सिनेमा वालों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी बना रहे हैं तो हमको हिंदी करनी चाहिए, ये साउथ के साथ पहले भी हो चुका है, तो वो अपने तेलुगु में या तमिल में करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है कि वो डायलॉग्स वैसे ही लिखे जाने चाहिए, उसमें आप गलत नहीं, एकदम करेक्ट है, और ये काफी हद तक कहा भी जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के और अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, ये गलत हो जाता है बात, तो उसमें क्या होता है कि एसेंस जो है जो उसके अंदर की जो मर्म है वो निकल जाता है। ये महिला प्रधान फिल्म है, 12 महीने की कहानी है और महिलाओं को उसके बीच में कबड्डी है, तो ये फिल्म आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छी बनी है, और शूटिंग के दौरान लोगों को काफी मजा भी आया था, और चलिए आपने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें बताया है कि मुख्य भूमिका निभाने वाली 12 महिलाओं को देश के विभिन्न हिस्सों से सेलेक्ट किया गया, क्या कबड्डी के महिला खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं थे या उनमें अदाकारी की क्षमता नहीं थी, तो क्या आपको मालूम हुआ छत्तीसगढ़ ओलंपिक चल रहा है, पिछले साल में इसका आयोजन हुआ था क्लस्टर वाइज जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पे इसका आयोजन होता है, कबड्डी इसका मुख्य अंग है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कबड्डी एक मुख्य अंग है, तो क्या आप लोगों को ऐसे महिला खिलाड़ी नहीं मिले छत्तीसगढ़ से जो आपको छत्तीसगढ़ से बाहर की महिलाओं को चुनना पड़े? इसका जवाब मैं देता हूँ कि सब खिलाड़ी और आर्टिस्ट होगा दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है, हमें ऐसे आर्टिस्ट चाहिए थे जो कबड्डी खेल को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं बहुत सारे छत्तीसगढ़ में, और हमने उनमें से कोशिश भी की थी, कुछ और नाम थे जो इसके रूप में सेलेक्ट हुए, बट क्योंकि कोविड का सेकेंड लहर के जस्ट बाद का टाइम था, कुछ वो कहीं और प्रोजेक्ट में व्यस्त थे, कुछ बाहर शूट करने जाने की स्थिति में नहीं थे, अदरवाइज इसमें आप तो यहाँ के 2 बड़े नाम और दिखते जो हो नहीं पाए, हमारी किस्मत ऐसी नहीं रही, एक गीता जैन इनमें फाइनल हुई थी उनको शूट करना था, और एक नाम था शिखा चित्रामले का, बट किसी वजह से वो भी नहीं कर पाए, तो कुछ आर्टिस्ट थे जो होने चाहिए थे,
आपका कहना सही है लेकिन परिस्थितियाँ और उनकी व्यस्तता की वजह से। देखिए क्या होता है, देश हो या विदेश, कई ऐसे कलाकार को चुना जाता है जो खेल क्षेत्र से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने क्षेत्रों में सफल रहते हैं, उनको वर्कशॉप के माध्यम से भी तो उनको तैयार किया जाता है अभिनय के लिए, तो क्या ये संभावना नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती है, लेकिन जब आप सिनेमा देखेंगे ना सर, तो सिनेमा में आपको चाहिए हुए एकदम मंझे हुए आर्टिस्ट, एक अच्छी फिल्म की आप कल्पना करते हैं तो आप चाहते हैं कि जब वो पर्दे जो उस किरदार को खेले तो वो खिलाड़ी से ज़्यादा काम तौर पर देख देखना चाहिए। कोशिश यही है कि सारे जगह वो परफेक्ट लगे। दासवानी जी, आपकी महू कुंवारा तहू कुंवारी फ्लॉप, लैला टिपटा फ्लॉप, फिर आई लव देसी फ्लॉप, ये कबड्डी ऑलरेडी बन चुकी है, हिंदी में भी कोई कमाल नहीं कर पाई, वो भी फ्लॉप, मतलब ये पीयूष बल्ब का झालर लेके क्या सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ डब करके, ये कोई नई पिक्चर तो है? आपसे जानना चाहूंगा सर, फ्लॉप और हिट का आपने क्राइटेरिया क्या? आप ही बता दो सर, अगर लैला टिपटॉप छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में 100 दिन तक चलती है आप उसको फ्लॉप मानते हैं तो मैं उसका क्राइटेरिया का चलना और चलाना, यहाँ तो लोग जन्म दिवस में फोकट फिल्म देख लो भी चलाते हैं। आपने अमेरिका से लैला टिपटॉप फिल्म नहीं देखी? देखी नहीं है आपकी लैला फिल्म? लैला टिपटॉप फिल्म मेरे मेरी मेरे के लिए सबसे अच्छी फिल्म मानी जाती है, क्योंकि उसमें मैं किरदार हूँ, माँ की भूमिका निभाई हूँ। आप फिल्म उठा के देखो उसमें हर किरदार ऐसे करते हैं कि यही बाप होना था, यही माँ होना था, यही हीरो, यही हीरोइन। आपका पिछले 15 दिन में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 4 से ज्यादा पत्रकार वार्ता इसी कक्ष में हो चुकी है। सिलेक्शन की बात सबसे महत्वपूर्ण रहती है, आंकड़ा आय पे निर्धारित होता है, ये सफल है या असफल है, ये आप लोगों ने पैमाना तय किया हुआ है। हमारे को राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पहचान नहीं मिली है, कोई राष्ट्रीय अवार्ड नहीं मिला है, अगर कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो सफलता का पैमाना क्या है आप लोगों के दृष्टिकोण में? सफलता का पैमाना क्या होता है, एक दो बातें आपकी सही है कि या तो वो फिल्म अपना कलेक्शन जो है पूरा कर लेती है, निकालती है सिनेमा घरों में, लंबे समय तक चलती है, दर्शक उसको पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। भैया ने लैला टिपटॉप की बात की, मैं जहाँ तक जानता हूँ छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आज तक सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फिल्म रही है उसको लोगों ने पसंद किया है कि फिल्म सबसे बेहतरीन फिल्म हो सकती है वो लैला टिपटॉप चला। 100 दिनों तक सिनेमा में सर अभी जब से पैसे लगा के नहीं चलाई जा रही है, वो वरिष्ठ पत्रकार है वो समझते हैं आप लोग प्रचार करना एक अलग मुद्दा हो सकता है, अगर वो किसी विषय पे अपने विचार रख रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है उनके विचार में। मेरे को टिप्पणी से कोई एतराज नहीं, मैं उनके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, कहीं कोई फिल्म सर अगर 100 दिन चल रही है तो आपकी सोच हो सकती है उनके खिलाफ है, मेरी सोच में अगर उनके पैसे निकलते हैं वो फिल्म 100 दिन तक सिनेमा घर में चलती है लोग उसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे लगता है वो लागत निकल गई है पिक्चर हिट ये मान रहे हैं। उनसे एक चीज़ और होगी अगर किसी फिल्म को किसी राष्ट्रीय स्तर पे सराहा जाता है, उसको अवार्ड मिलता है, तो वो सर उसे साल में अभी आपने देखा होगा मनोज भैया की फिल्म बुलंद को अवार्ड भी मिला, बहुत शानदार फिल्म थी, और रिलीज होने से पहले अवार्ड मिल जाएगा, राष्ट्रीय अवार्ड मिला सर रिलीज होने से पहले, रिलीज होने से पहले ही फिल्म राष्ट्रीय उसमें जाती है, तो पब्लिक के ओपिनियन से नहीं है ये, तो ऐसा कि मैं एक आज संगठन से अवार्ड ले रही हूँ। ऑस्कर पे भी अगर आप देखें तो ऑस्कर की पूरी आप उसके आप अपने कबड्डी का एक बार बताइए, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि 12 महिला अलग अलग जगह से है, आपका ऑडियंस क्या है? इसके अलावा बाहर नहीं जाएंगे अभी तो, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में फिल्म किया सर, बाहर अभी तो लगेंगे नहीं, सिनेमा वाले लगाएंगे नहीं, ओटीटी में भी कुछ खास नहीं कर पाई जो पहले जो ओटीटी में रिलीज कर चुके थे, हिंदी में इसको लगाया है किस किस भाषा में आ चुकी है? अच्छा इसके बाद हमने बाइलैंगुअल ब्रज भाषा में की है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ब्रज भाषा में फिल्म आएगी ओटीटी में इस फिल्म की रिलीज के बाद। चलिए आप ये बताइए अक्षिता जी, नाम है शायद आपका अक्षिता जी, तो आप मुख्य भूमिका में भी है, छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हुई क्या? जब आप मूवी देखेंगे बहुत फनी बात है बोले तो, जब आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना मजा आया है एक्चुअली इस मूवी की डबिंग में, तो मैं इस चीज़ को सस्पेंस रखूंगी, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा इलैबोरेट या आगे मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, कि मेरे को मैंने इंजॉय बहुत किया है इस मूवी को बनाते हुए, प्रोसेस बहुत डिफरेंट था, और इस मूवी का जो डबिंग का पार्ट है उसके बारे में कुछ रहस्य है जो भी मैं रहने लूँगी, जिसके लिए मैं आपको चाहूँगी कि
आप प्लीज जाइए सिनेमा हॉल्स पे टिकट खरीदिए और हमारी मूवी को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। इसके अलावा देखिए आपने राज्यों में अलग भाषाओं में भी आपने काम किया होगा, कंप्यूटर में जो आपने काम किया तो क्या प्लस पॉइंट्स क्या माइनस पॉइंट्स आपको नजर है बताओ कलाकार। सर इन मूवी जैसे अभी उन्होंने बताया कि ब्रज भाषा का छत्तीसगढ़ी भाषा में निकल रही है, ब्रज बोलना थोड़ा आसान था कंपेरेटिवली क्योंकि हिंदी से हल्का मेल जोल है उसका। छत्तीसगढ़ी समझने में मुझे काफ़ी मजा आया था लेकिन बोलने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, बस शायद मैं कि यही कहना चाहूँगी, बाकी आप मूवी देखकर सबको समझ में आ जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा आप तो उसको कैसे बयान करूँ मैं, हर 5-10 किलोमीटर पर भाषा का वेरिएंट बदलते चले जाता है, आप छत्तीसगढ़ी सुने और मध्य छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी सुने तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर भी है। लेकिन मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को जिस तरह से बोलने के लिए बोला गया मैंने उस तरह से उसको बोल दिया, मैं शायद यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइम के लिए रहूँ तो शायद मैं चीज़ों को परख पाऊंगी कि कितना डिफरेंस है कहाँ के एक्सेंट में, तो अगर ये सवाल मुझे लगे कि मेरे कहाँ से बाहर है। आपने इस फिल्म में कबड्डी ही खेल को क्यों चुना? क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय खेल है और कबड्डी गांव-गांव में हर किसी ने खेली हुई है, कबड्डी से हर कोई परिचय है कि उसमें औरतें आदमी बच्चे कोई ऐसा वो नहीं है। लगान पे क्रिकेट क्यों किया गया था क्योंकि क्रिकेट तो अंग्रेजों का था, हॉकी की गई थी चक्के में, फुटबॉल भी करी गई है, कबड्डी हमारा खुद का गांव और शहर सब जगह खेला जाता है, स्कूल में भी नियम भी हम खुद निर्धारित करते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हम कितने खिलाड़ी रख रहे हैं कितने नहीं रख रहे हैं, तो ये अपना खेल है भारत का खेल है इसलिए कबड्डी पर पूरा खेली है सर। कितना ड्यूरेशन लगा आपको, कितना दिन लगा, कितना समय लगा पूरी तैयार करने में स्क्रिप्ट वगैरह? स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट में तो लगभग 10 साल लगे थे। टोटल शूट आउट कितने दिनों में हुआ? शूट हुआ शूट आउट अलग मानसिक दिवालियापन लगता है कि भाई कोई नई चीज सोची क्यों नहीं पा रहा। एक्चुअली क्या है 40 दिन लगे थे और शूट के आपने कबड्डी खेली है? अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैंने नहीं खेली और मैं उसके बाद कह दूँ कि हाँ मैं खेली है तो भी कोई नहीं करता। आपने आपने सब बोला इसलिए बंदर करना तो अगर सब चीजों में एक एक यही इसी के लिए मैंने 20 साल रिंग में उतारना हां जी बड़ा कठिन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। परेशानी एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अब आपने देखा होगा जब हम क्रिकेट खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं और हमारी चोट लग जाती है थक जाते हैं उसके बावजूद भी हमें मजा आता है, तो ऐसे ही डायरेक्शन का है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग बारिश हो तूफान हो कितनी भी तकलीफ होती है, पत्रकार हम लोग घर में होते हैं, जैसे बॉम्बे में वो अटैक हुआ था आप लोग घर से बाहर निकले हुए थे ना, गोली भी चलती है बारिश आ रही है तो भी आप लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आपको वो करते हुए तकलीफ भी होती है, आपके घर वालों को और परेशानी होती है। सेम मेरे साथ भी है कि डायरेक्शन करते हुए जो मेरे को तकलीफ होती है वो उसे स्वीट पेन कहते हैं, तो मेरे हिसाब से कि वो मेरा प्लेजर है। ये आमतौर पे बॉलीवुड उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी जो मूवी सेक्टर है वो एक माइंड सेट करता है कि ठाकुर जुल्मी है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करते हुए लगातार आ रहे हैं, ठाकुर बोला मतलब वो जुल्म करने वाला है। इस पे आपत्ति भी आई है करनी से ना शराबी है जब पैदा होता है लड़की पैदा होती है, पैदा होने से जब आदमी बच्चा पैदा होता है वहीं से जंग शुरू होता है, मगर लड़की के लिए पैदा होने से पहले ही जंग होती है कि उसको पैदा करना है नहीं करना है, तो सबसे बड़ी जंग तो ये है। अगर आदमी का आखिरी सांस तक टिल द लास्ट ब्रेथ फाइट ही होती है, स्ट्रगल ही होती है, आप लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे क्या? मोदी जी स्ट्रगल नहीं कर रहे क्या? बघेल साहब स्ट्रगल नहीं कर रहे थे क्या? या अमेरिका राष्ट्रपति नहीं है? स्ट्रगल की एक लिमिटेशन है। अगर आप राजनीतिक बात करना चाहते हैं तो हरियाणा और राजस्थान को छोड़कर बात देखिए पहले। आपने बोला जंग है ये, पंजाब की भी भ्रूण हत्या होती है, मेरे सवाल का जवाब भी दे रहा है। क्या आपको रात
भारत के प्रत्येक राज्य में महिला और पुरुष अनुपात मालूम है? हरियाणा राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो नहीं, एक सेकंड मेरे को ये बताइए, आज भी पंजाब का जो प्रतिशत है अनुमान है उसमें 947 923 1000 महिलाओं के पीछे 923 पुरुष, तो आप दूसरे एंगल से बात बोलिए। नहीं, अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, इसीलिए अगर मेरी पहली बात पूरी सुन लेते तो आप शायद ये बात भी नहीं करते। हिंदुस्तान में हमेशा स्त्री को सर्वोपरि रखा गया है, इसीलिए वहाँ पर काली परंपरा की बात कीजिए, हिंदुस्तान शब्द गलत उपयोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान मुगलों का दिया हुआ शब्द है। चलिए भारत बोल दीजिए, बोल देते हम। और मतलब मेरे लिए देखिए क्या है, अरे ये हिंदुस्तान, आप जो मुगल की बात कर रहे हैं ना, उर्दू को भी नहीं, मैं मुगल या फौज हो गई बॉलीवुड, अभी इस बेटे आप उर्दू नहीं हो गए, पहली बात तो वही जानना चाह रहा हूं सर, मेरे को नहीं, पहली बात मेरे को बॉलीवुड शायद सही ना होना चाहिए, बॉलीवुड शब्द ही नहीं होना चाहिए हमारे, ना हॉलीवुड होना चाहिए, सिनेमा होना चाहिए, हम खुद अलग कर देते। अभी ये तो गलत बात है ना कि आप जाके क्या वहां की रिपोर्ट नहीं करेंगे क्या, मुंबई की या दिल्ली की, रिपोर्टर तो है ना उसमें, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भाषा की बात करते हैं, ये स्त्री प्रधान देश रहा है, लोग कृषि प्रधान कहते हैं, स्त्री प्रधान, इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, इसमें साफ साफ बोला गया है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसके अंदर आदमी और औरत की लड़ाई से ज्यादा वो जंग बोला गया है, ये जंग बन गई है, तो जंग खाली उससे नहीं है, कृत्रिय से है, जो गलत काम हो रहे उनसे। सर इन पे जुल्म करने वाला ठाकुर है क्या? जो प्रेस है उसके ना कोई बजट का निर्धारण करते हैं ना उसके लिए कोई नीति निर्देश होकर समस्या है, अभी जैसे भैया ने बोला की आपकी फिल्में ये वाली फ्लॉप है, डेफिनेटली मैं बोलूंगा आपको इसमें से ज्यादातर फिल्में जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा की लगती है वो अपनी लागत का पब्लिसिटी का खर्चा भी नहीं कर पाती। आपकी फिल्म जो हिट है ना उसके बारे में भी निरहुआ रिक्शा वाला की कॉपी बनाए थे आप, टूरा रिक्शा वाला, उसने आपको हिट, वो हिट है, मैं आपकी हिट है, ठीक है, लेकिन जो लाइन से मैंने फ्लॉप बताई ना, और उसके बाद ये एक स्टोरी उस फिल्म के रीमेक निरुपमा मेरे से लिखते गए थे, महादेव ने भोजपुरी फिल्म बनाई और दबी नहीं रीमेक की थी, और वो भोजपुरी वाले जो बनी थी भोजपुरी सिनेमा की उस समय की सबसे बड़ी फिल्म थी।